संसद के मानसून सत्र का आज 16वां दिन है। राज्यसभा उपसभापति के लिए आज चुनाव हुआ, जिसमें एनडीए के हरिवंश चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिवंश को दी बधाई। लोकसभा में आज वस्तुएं एवं सेवा कर संशोधन विधेयक पेश हो सकता है। बताया जा रहा है कि कानून मंत्री पीयूष गोयल जीएसटी से जुड़े 4 संशोधन विधेयक पेश करेंगे। एम करुणा निधि को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। राज्यसभा उपसभापति के चुनाव को विपक्षी एकजुटता का टेस्ट माना जा रहा था, जिसमें वो असफल रहे। सत्तारूढ़ एनडीए की तरफ से जेडीयू के राज्यसभा सांसद हरिवंश नारायण सिंह उम्मीदवार थे, तो वही यूपीए की तरफ से कांग्रेस सांसद बीके हरिप्रसाद को मैदान में उतारा गया था। हालांकि संख्या बल के लिहाज से एनडीए उम्मीदवार हरिवंश राय की जीत पहले ही लगभग तय मानी जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिवंश को दी बधाई। राज्यसभा के उपसभापति चुनाव में एनडीए के हरिवंश विजयी रहे। उपसभापति के लिए हुई वोटिंग में एनडीए के हरिवंश नारायण सिंह को 122 मत मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी बी के हरिप्रसाद को 98 मत मिले। एनडीए के हरिवंश चुने गए राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए मतदान जारी। राज्यसभा में इस समय सभी सदस्यों को वोटिंग की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। अरुण जेटली समेत भाजपा सांसद राज्यसभा पहुंचे। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए हैं के लिए आज चुनाव है। डीटीपी सांसद का आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। डीटीपी सांसद नारा मल्ली शिवप्रसाद ने आज हिटलर का भेष धारण किया। इससे पहले भी कई अलग अलग भेष धारण कर चुके हैं। राज्यसभा के उपसभापति चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा के सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर आज सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अगस्त को देश भर में फैली 650 शाखाओं के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च करेंगे। यह देश का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क होगा। आईपीपीबी बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर ग्राहकों को कर्ज देने के अलावा म्यूचुअल फंड तथा इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का काम करेगा। संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने बताया कि आईपीपीबी से देश के सभी 1.55 डाकघरों को इस वर्ष के अंत तक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से जोड़ दिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में तकरीबन 1.30 डाकघरों के जरिए आईपीपीबी की सेवाएं पहुंचाएंगे। अभी ग्रामीण इलाकों में केवल 49,000 बैंक शाखाएं हैं। साथ ही पोस्टमैन डाक बांटने के अलावा बैंक की भूमिका में भी नजर आएंगे। फिलहाल रायपुर और रांची में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आईपीपीबी की शाखाएं काम कर रही हैं। पेमेंट बैंक एक व्यक्ति या कुटित उद्योग से 1 लाख रुपए तक की जमा स्वीकार कर सकते हैं और उसे दूसरे बैंक खाताओं में ट्रांसफर कर सकते हैं, परंतु उन्हें कर्ज देने अथवा क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति नहीं है। ये सेवाएं प्रदान करने के लिए आईपीपीबी को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ थर्ड पार्टी गठजोड़ करने होंगे। 1 लाख रुपए से अधिक जमा स्वीकार करने के लिए आईपीपीबी को तकरीबन 17 करोड़ डाकघर बचत बैंक खातों से स्तब्ध होने की अनुमति मिली है। यह कार्य चरणों में होगा। इससे जब कभी भी जमा रकम 1 लाख रुपए को पार करेगी, उसे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक खातों में हस्तांतरित किया जा सकेगा। शुरू में 11,000 पोस्टमैन घर घर जाकर लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करेंगे। बाद में 3 लाख डाकघर कर्मियों को इस कार्य में लगाया जाएगा। डाक सचिव ए.एन. नंदा के मुताबिक लॉन्च वाले दिन 650 जिला स्तरीय शाखाओं और उनसे जुड़े 3,250 एक्सेस पॉइंट के साथ आईपीपीबी की सेवाएं काम करने लगेगी। आईपीपीबी जमा पर 4% ब्याज देगा। कर्ज, बीमा और म्यूचुअल फंड सेवाओं के लिए आईपीपीबी
पीएनबी जैसे बैंकों तथा बजाज आलियाज लाइफ जैसे वित्तीय कंपनी के साथ थर्ड पार्टी समझौता करेगा। दरवाजे पर मिलने वाली बैंकिंग सेवाओं के लिए ग्राहकों से कुछ शुल्क लिया जाएगा। नेशनल हेराल्ड मामले में आयकर विभाग ने जुर्माना लगाने के बाद यंग इंडिया कंपनी के मुख्यालय हेराल्ड हाउस पर जब्ती की तलवार लटक रही है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोटिस जारी कर बिल्डिंग खाली करने को कहा है। माना जा रहा है कि मंत्रालय की इस कार्यवाही से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों ने बताया कि शहरी विकास मंत्री ने यह नोटिस 2 दिन पहले जारी किया है। मंत्रालय का यह कदम मामले की एक जांच रिपोर्ट के बाद उठाया है, जिसमें पाया गया है कि हेराल्ड हाउस का आवंटन राजधानी दिल्ली के आईटीओ स्थित प्रेस एन्क्लेव में जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसके लिए उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। दरअसल वह समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए इसका आवंटन किया गया था, लेकिन पिछले 10 सालों से ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसमें आवंटन नियमों का उल्लंघन किया गया है। जांच में यह भी पाया गया कि पिछले 8 सालों से बिल्डिंग के स्वामित्व वाली कंपनी यंग इंडिया ने इसे किराए पर उठा रखा है। इससे उसे हर महीने 80 लाख रुपए से अधिक की धनराशि प्राप्त हो रही है। बिल्डिंग के 2 तल पासपोर्ट सेवा केंद्र को किराए पर दिए गए हैं। इसी के आधार पर आयकर विभाग ने करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा रखा है। शहरी विकास मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक 2 महीने पहले मंत्रालय के आला अफसरों की एक जांच टीम ने नेशनल हेराल्ड हाउस का मुआयना किया था। जांच में पाया गया कि पिछले 10 सालों से इस इमारत से अखबार प्रकाशन की कोई गतिविधि नहीं हो रही है। हेराल्ड हाउस के लिए 1950 के दौरान बहुत ही रियायती दर पर समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए जमीन पर आवंटन पट्टे पर किया गया था। प्रेस एक्लेव के बाबत अन्य मीडिया संगठनों को भी जमीन का आवंटन किया गया था। कितना बड़ा है यार। इसी तर्ज पर नेशनल हेराल्ड को देश के दूसरे बड़े शहरों में भी जमीनों का पट्टा आवंटन किया गया है। बहुत ही सस्ती दरों पर लखनऊ, पटना, मुंबई, पंचकुला, भोपाल और इंदौर में जमीन दी गई थी। इन सभी मामलों की जांच विभिन्न राज्यों में वहां की सरकार अपने स्तर पर कर रही है। इनकम टैक्स जांच मामले में भी राहुल गांधी HC से नहीं मिली राहत। यंग इंडिया कंपनी की जांच इनकम टैक्स द्वारा कराए जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, हालांकि उन्हें कोई कोर्ट में राहत नहीं मिली। राहुल गांधी ने कोर्ट के फैसलों को चुनौती दी थी, जिसमें बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि राहुल गांधी ने यंग इंडिया की डायरेक्टरशिप से खुद को अलग नहीं किया है। वहीं राहुल गांधी के वकील ने कहा कि इसकी इनकम ही नहीं है तो टैक्स भी नहीं बनता। यहां पर बता दें कि मई महीने में नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को तब झटका लगा था जब दिल्ली हाई कोर्ट ने यंग इंडिया कंपनी की जांच इनकम टैक्स द्वारा कराए जाने को हरी झंडी दी थी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि कंपनी को अपने दस्तावेज इनकम टैक्स को सौंपने ही होंगे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि इनकम टैक्स विभाग को जांच करने का अधिकार है। गौरतलब है कि यंग इंडिया कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कुल 76% हिस्सेदारी है। मेजा इलाहाबाद एक जगह पर 2 आवंटन प्रशासन की लापरवाही, गरीब परेशान का चौकिए मत। यह मामला मेजा तहसील के उरुआ ब्लॉक के ग्राम पंचायत धर्मपुर के चपौर गांव की है। यहां पर फूल कुमारी पत्नी, स्वर्गीय पत्नी रामानंद व अनीता देवी, पत्नी प्रमोद कुमार व शांति देवी, पत्नी आशीष कुमार के नाम पर उप जिलाधिकारी द्वारा 2016 में चापावर के गांव के गाटा संख्या
106, जंक्शन विभाग अधिनियम के धारा 123 एक अंतर्गत विनियमिता की गई थी और तीनों लाभार्थी अपना मकान मढ़ानांद चरही व पेड़ पौधे सहित काबिज है और वही जमीन पर 106 क में ही उसी चौहद्दी पर ग्राम प्रधान द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र हेतु प्रस्थान बनवाकर चुनावी रंजिश के कारण वो भेज दिए गए। उसमें आपत्ति पड़ी, जांच हुई, रिपोर्ट भी लगी और खाली जमीन न होने की पुष्टि भी हुई, परंतु तहसीलदार और ग्राम प्रधान ने नाजायज सांठगांठ के कारण चोरी छिपे स्वीकृति हो गई। जिला अधिकारी के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में मामला पहुंचा, जहां 3 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा गया, परंतु अब तक जवाब दाखिल नहीं हुआ, जबकि बार बार धमकी दी जाती है, घर गिराने की। फिर दीवानी न्यायालय में भी मामला विचाराधीन है, फिर भी आंगनबाड़ी केंद्र की निर्माण का कार्य करवाने का प्रयास की जाती है। प्रवीण मिश्रा की रिपोर्ट।